हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम अपना साइंस का फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जो होगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये हमारा पार्ट वन होगा और इसी तरीके से हम पार्ट्स में कंटिन्यू करते हुए चलेंगे ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें पूरे सीजन के लिए। इसके अलावा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को समझने से पहले हमें समझना होगा केमिकल चेंज के बारे में। अगर हम केमिकल चेंज समझ पाए तो हम केमिकल रिएक्शन समझ पाएंगे, क्योंकि केमिकल चेंज पर ही केमिकल रिएक्शन डिपेंड करती है। तो आइए शुरुआत करते हैं केमिकल चेंज के साथ। केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें कोई ओरिजिनल सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी या फिर नेचर को लूज कर देता है, यानी कि वो अपने आइडेंटिटी और नेचर को खो देता है ताकि वो एक नया केमिकल सब्सटेंस बना सके जिसकी प्रॉपर्टीज अपने ओरिजिनल सब्सटेंस से बिल्कुल डिफरेंट होंगी। अगर हम इसे डेफिनेशन के तौर पे लिखेंगे तो हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे इसे? डेफिनेशन की बात करेंगे तो हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे अ प्रोसेस इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंस लूजेस देयर नेचर एंड आइडेंटिटी एंड फॉर्म अ न्यू केमिकल सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अपनी आइडेंटिटी को खोएगा वो सब्सटेंस और एक नया सब्सटेंस बनाएगा जिसके साथ उसकी नई प्रॉपर्टीज जुड़ी होंगी। ये हुई केमिकल चेंज की बात। अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें केमिकल चेंज होता है उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और केमिकल चेंज हमने अभी ऊपर पढ़ा ही है कि केमिकल चेंज क्या होता है, जिसमें एक सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी को लूज कर एक नया सब्सटेंस बनाता है। और डेफिनेशन की बात करें तो केमिकल रिएक्शन की, द प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ केमिकल चेंज इज नोन एज अ केमिकल रिएक्शन। हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास क्या एग्जाम्पल होंगे केमिकल रिएक्शंस के? हमारे पास पहला एग्जाम्पल होगा कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। मिल्क को भी पूरी रात चाहिए होती है कर्ड में कन्वर्ट होने के लिए, और वो भी हमारा एक केमिकल रिएक्शन होता है। दूसरा हमारा एग्जाम्पल होता है कोरोजन ऑफ आयरन, यानी कि आयरन पे जंक लगना। तीसरा हमारे पास कुकिंग ऑफ फूड, खाना बनाने में भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, क्योंकि वेजिटेबल्स हमारी कुछ और स्टेट्स में होती हैं, लेकिन जब हम उन्हें पका देते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज कंप्लीटली डिफरेंट हो जाती हैं उनकी ओरिजिनल स्टेट को लेकर। ये बात हुई हमारी केमिकल रिएक्शन की। अब हम बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि एक केमिकल रिएक्शन हो चुका है। आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी सभी कोर्सेज सेपरेटली अरेंज्ड होंगे, पर आप हर कोर्स के लिए अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अनअकैडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वरना आप डायरेक्टली से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। चेंजेस दैट हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस और नॉट। तो ये हमें पता चलेगा अगर उस सब्सटेंस की स्टेट में चेंज आता है या फिर उसके कलर में चेंज होता है। अगर मान लीजिए कुकिंग में हमारा कोई ग्रीन वेजिटेबल है और अगर उसमें हम स्पाइसेस ऐड करते हैं तो उसका डेफिनेटली कोई कलर ना चेंज हो गई, तो ये भी एक केमिकल चेंज पता करने का तरीका होता है। तीसरा होगा हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस। उस रिएक्शन को होते समय अगर कोई गैस इवोल्व हो रही है, जैसे कि हम कुकिंग के टाइम पर भी देखते हैं तो इवेपोरेशन हो रहा होता है, तो वो भी हमें बताता है कि एक केमिकल रिएक्शन चल रहा है। फोर्थ पॉइंट हमारा होगा चेंज इन टेम्परेचर। अगर उस केमिकल प्रोसेस के दौरान उस चीज का टेम्परेचर इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रहा है तो ये भी हमें बताता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप डे टू डे लाइफ में आपकी आंखों के सामने होते हैं, हम उन्हें पहचान नहीं पाते, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे सामने होगा उसे हम पता कर सके कि ये केमिकल रिएक्शन है या फिर केमिकल चेंज है। अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आप पहले एग्जाम्पल समझिए। हम कर्ड जब बनाते हैं तो हमें मिल्क की जरूरत होती है, और मिल्क से हम उसमें, जैसे मदर उसमें जावन लगाती हैं, तो हमारे रात भर रखने के बाद वो कर्ड मिलता है। तो कर्ड तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है, लेकिन जो मिल्क और वो जो जावन होता है जिसे मदर लगाती हैं उसके अंदर डालती मिक्स करती हैं, वो चीजें हमें कहलाती हैं रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें फाइनल प्रोडक्ट देते हैं।
तो हमारी केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट होगी रिएक्टेंट से और प्रोडक्ट से। ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारे प्रोडक्ट होंगे वो हमारे राइट हैंड साइड लिखे जाते हैं और जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड लिखे जाते हैं। तभी हमारी केमिकल रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन कहलाई जाती है, जहां पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का डिफरेंशिएशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के साथ किया जाता हो। यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं केमिकल रिएक्शन का। हमने अपने एग्जांपल में लिया है जिंक प्लस H2SO4 जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है गिव्स अस जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। नाइन्थ क्लास में आप लोगों को इनकी नेमिंग और बैलेंसिंग सिखाई गई होगी। अगर बैलेंसिंग आप लोगों को नहीं आती तो उसकी चिंता मत कीजिए, इस चैप्टर के एंड पार्ट में मैं आपको बैलेंसिंग करना भी सिखाऊंगा कि बैलेंसिंग किस तरीके से की जाती है और बैलेंसिंग का क्या यूज होता है। इन इक्वेशंस में हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, हमें इनकी स्टेट्स भी लिखनी होती है कि ये किस स्टेट्स में हमारे पास अवेलेबल है। जैसे जिंक हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है, सल्फ्यूरिक एसिड एक्वा सॉल्यूशन में है, जिंक सल्फेट हमारे पास सॉलिड है और हाइड्रोजन हमारे पास गैस फॉर्म में है। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड हमारे हुए रिएक्टेंट्स लेफ्ट हैंड साइड पर है और राइट हैंड साइड पर हमारे पास जो भी मिला जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ये हमारे हुए प्रोडक्ट्स। ये है केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन कि हम किस तरीके से उसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमें उनकी नेमिंग भी करनी होगी, साथ ही साथ उनकी स्टेट्स भी लिखनी होगी कि उनकी किस स्टेट्स में वो हमारे रिएक्शन में अवेलेबल है। और रही बात वैलेंसिंग की, तो वैलेंसिंग भी हमें करनी होगी। इस इक्वेशन में हमारे पास वैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स आर इक्वल, तो इसलिए हमें बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल चेंजेस। कितने तरीके से हम पता कर सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस होते हैं हमारे पास कि किस तरीके से हम पता करें केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। सबसे पहला हमारे पास आता है इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम नेमिंग कर लेते हैं पहले और समझते हैं बाद में है कि हमारे पास क्या क्या रिएक्शंस होते हैं। पहला हमारे पास केमिकल रिएक्शन होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पांचवा हमारे पास आया ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इन पांचों रिएक्शन को अब हम आगे समझेंगे इनकी डेफिनेशन के साथ, इनका प्रॉपर मतलब और इन सभी की हम एक केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना भी समझेंगे और इनके एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहले हमारे पास आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो समझते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम किसे कहते हैं। जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस, उन सब्सटेंस में हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स भी कह सकते हैं जो कि रिएक्टेंट का काम करेंगे, वो अगर आपस में कंबाइन होते हैं और इस दोनों आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी कि कोई दो बाय प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, डेफिनेशन रिप्रेजेंटेशन इसका इस तरीके से होगा, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस में हम बात करेंगे एलिमेंट्स की या फिर कंपाउंड्स की, वो आपस में कंबाइन होंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे तो उन्हें हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहां पर जो सब्सटेंस होंगे दो या दो से ज्यादा वो रिएक्टेंट्स का काम करेंगे और वो सिंगल प्रोडक्ट हमें देंगे। अब बात करते हैं हम इसके एग्जांपल की। पहला एग्जांपल हमारे पास आता है बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलाना। ये भी एक हमारा केमिकल चेंज होता है, केमिकल रिएक्शन भी होता है। इसमें सारी चीजें हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। हमें पता है कि कोल कार्बन का एक फॉर्म होता है, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन हमने की कार्ब सी के साथ, और सी हमारे पास सॉलिड स्टेट में है तो हमने ब्रैकेट में एस लिखा, साथ ही साथ ओ टू यहां पर ऑक्सीजन। अब अगर हम बर्न कर रहे हैं किसी चीज को तो हमें सबसे ज्यादा जरूरत होगी ऑक्सीजन की, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज हम नहीं जला सकते, तो इसलिए ऑक्सीजन आया और ये गैसियस फॉर्म में होगा। जब हम इन दोनों को बर्न, ऑक्सीजन हेल्प करेगा कार्बन को बर्न करने में, एक गैस इवॉल्व होती है उसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। ये हुआ हमारा एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन जहां पर कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड हुए और उन्होंने एक प्रोडक्ट दिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास आता है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अब हम बर्न करेंगे मैग्नीशियम रिबन को, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होगी? मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम की हमें रिप्रेजेंटेशन पता है कि Mg से होती है। साथ ही साथ अगर हम बर्न कर रहे हैं तो सेम वही फैक्ट कि ऑक्सीजन की तो जरूरत होगी किसी चीज को बर्न करने में, बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज हम बर्न नहीं कर सकते। और ये दोनों हमारे पास, मैग्नीशियम है हमारे पास सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन है हमारे पास गैसियस फॉर्म में, कंबाइन करके इन्होंने हमें दिया MgO सॉलिड फॉर्म में। अब हम इनकी केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग करते हैं। अब आप ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर मैग्नीशियम के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, दो। राइट साइड गए तो यहां पर हमें प्रोडक्ट मिला था MgO, तो हमने यहां टू से बैलेंसिंग की इसकी, तो Mg दोनों तरफ बैलेंस हो गया। लेफ्ट साइड बात करें जहां हमारा रिएक्टेंट है ऑक्सीजन, वहां पर हमारे पास ऑक्सीजन की वैलेंसी है टू, टू कंपाउंड्स हैं और यहां पर सिर्फ एक ही है, तो इसीलिए हमने यहां से टू से मल्टीप्लाई किया और ये हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। ये हुआ हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हमारे पास दूसरा केमिकल रिएक्शन आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब समझते हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जहां पर एक सिंगल कंपाउंड, यानी कि अब हम बात करें सिर्फ सिंगल रिएक्टेंट की, जो ब्रेक डाउन यानी कि टूट जाता है सिंपलर प्रोडक्ट्स में। और ये भी तीन तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। तो पहले हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिख लेते हैं कि डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी। रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन टू गिव अ सिंपलर प्रोडक्ट। और इसे भी फर्दर डिवाइड किया गया है तीन पार्ट में। हमारे पास पहला पार्ट आता है थर्मल डीकम्पोजिशन। अब समझते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन क्या होता है। थर्मल डीकम्पोजिशन कैरिड आउट होता है हीट की प्रेजेंस में, यानी कि जब हमारे पास कोई रिएक्टेंट है और उस पर हीट, सनलाइट की हीट से ही अगर रिएक्शन हो रहा है, तो वो हुआ हमारा थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि वो सिंपलर प्रोडक्ट्स में टूट रहा है आपस में। दूसरा इसका पार्ट आता है हमारे पास फोटो डीकम्पोजिशन, जो कैरिड आउट होता है प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब यहां पर हीट दो चीजें से है, यहां पर सनलाइट की भी हीट मिल रही है या फिर हम किसी बर्निंग चीज से भी यहां पर हीट प्रोवाइड करा सकते हैं। दूसरा फोटो डीकम्पोजिशन लाइट की प्रेजेंस में होगा, और ये लाइट कोई सी भी हो सकती है, सनलाइट हो सकती है या फिर आप आर्टिफिशियली लाइट भी प्रोवाइड करा सकते हैं। थर्ड हमारे पास आता है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होता है, जहां पर हम कैथोड और एनोड का भी यूज करते हैं, तो ये प्रेजेंस हुई इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन की। यहां पर हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन का पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करते हैं इसके आगे एग्जाम्पल, कि इसका एग्जाम्पल अगर हम किस तरीके से लेते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं और उसकी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं किस तरीके से ये होता है। हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर है फेरस सल्फेट FeSO4। अब हमने इसे हीट किया और हीट का हमें पता है कि हीट का हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन था थर्मल, तो अब हम कर रहे हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। जब हमने इसे हीट प्रोवाइड कराई तो ये रिएक्शन हुआ, ब्रेक डाउन हुआ फेरिक ऑक्साइड में Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। एक रिएक्टेंट तीन प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो गया। ये हुआ हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। अब बात करते हैं हम अपने थर्ड रिएक्शन की, जो होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाइन्थ क्लास में आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल पढ़ी हो, उसका कुछ पार्ट पढ़ा होगा, कंप्लीटली नहीं कहता मैं, लेकिन कुछ पार्ट आपने आइडिया लगा होगा और टीचर्स ने बताया भी होगा। उस टाइम पर आपको एक्टिव और लीस्ट एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में कुछ बताया होगा टीचर्स ने, तो वही कंसेप्ट हम यहां पर यूज करेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक मोर एक्टिव एलिमेंट अपने से लीस्ट एक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस करता है और एक कंपाउंड बनाता है। यहां पर हमारे पास दो रिएक्टेंट्स होंगे, उन दो रिएक्टेंट में से एक मोर एक्टिव एलिमेंट होगा और दूसरा लेस एक्टिव एलिमेंट होगा। मोर एक्टिव एलिमेंट लेस एक्टिव एलिमेंट में से रिप्लेस करेगा और एक न्यू कंपाउंड फॉर्म करेगा। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन हमारी होगी व्हेन मोर एक्टिव एलिमेंट displaces a less active element from its compound,
लेस एक्टिव एलिमेंट्स के कंपाउंड में से ही उसे कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया। अब हम इसे समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जो इसकी केमिकल रिप्रेजेंटेशन होगी। हमारे पास रिएक्शन है Fe यानी कि आयरन इज रिएक्टेड विद कॉपर सल्फेट CuSO4 गिव्स अस आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। अब हमारे पास आयरन है, आयरन ने CuSO4 में से कॉपर को रिप्लेस किया और फॉर्म किया इसने आयरन सल्फेट FeSO4 एक्वस फॉर्म में, और हमारा कॉपर जो है वो सेपरेट हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर आयरन मोर रिएक्टिव है कॉपर से, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें यही कहता है जहां पर मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है लेस एक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से।